एवरीवन, वेलकम टू द डे टू ऑफ मनाली टूर। सो वी आर गोइंग टू डू सम एक्टिविटीज टुडे। तो एवरीवन, अभी हम जा रहे हैं घूमने। हेलो दीदी। हेलो। हम सारे घूमने जा रहे हैं। हेलो। सारे सबकी शक्लें नहीं आ रही हैं। तोड़ लगी जा। तो अभी हम सारे घूमने जा रहे हैं और हम आपको सब कुछ दिखाएंगे, हम क्या क्या करेंगे आज। हम यहाँ पे हमें बीच में ये इतना सुंदर सा है, झरना टाइप जो भी है ये दिखा। सो ये बहुत ही सुंदर सा और प्यारा सा था। और अभी हम अपनी एक्टिविटीज़ करने के लिए बस निकल गए हैं और इधर हम पहुँच चुके हैं। लेट्स गो। हेलो। ये तो हमेशा बिजी रहती है। हम आए हैं रिवर साइड एडवेंचर एक्टिविटीज़ करने और यहाँ पे ये थोड़ी सी एक्टिविटीज़ हैं। एंड हियर आई एम, I will share with you what I will do today, activities and all, and let's go. A bit overall view, जगह कैसी थी। और यहाँ पे हॉट एयर बलून भी था जो कि बहुत सुंदर लग रहा था, बट ये थोड़ी हाइट पे जा रहा था और इसलिए हमें मज़ा नहीं आएगा इतनी साइड पे जाने पे। And here I am showing myself. ये वाली जो मेरी पिक थी ना, ये मेरे को बहुत ही एस्थेटिक लगी। खैर ये तुक्के से खींची थी बट मेरे को बहुत अच्छी लगी। ये मेरी और मम्मा की बहुत ही अच्छी सी पिक रखी है। और अभी हम मस्ती करेंगे, बहुत सारे फन। यस, बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं हम लोग। आप लोग भी देखना। अरे ये तो यहीं तक ले जाने। लेट्स हैव सम फन। अभी हम मजे करने जा रहे हैं। लेट्स गो फॉर अ फर्स्ट राइड। ये मेरी एक रैंडम पिक है मेरी और पापा की। एंड ये है मेरी, मेरे भाई की और मेरे मामू की, जो कि मामू ने हमारी गाल खींच रखी है। फिर बनी आगे हमारे मामू जी आगे आपके साथ भंगड़ा डाले बल्ले बल्ले। अभी यहाँ पे डिस्कशन चल रही है हम कौन कौन सी राइड्स लेंगे। हॉट एयर बलून थोड़ा ही ऊपर जा रहा है तो बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, सो हम उसको कैंसिल कर रहे हैं। ये वाली राइड करने जा रही हैं, हम सारे करेंगे। We'll have a ride. Yes, and it's gonna be like a 360. Yes. No, not ready. She's nervous. But Didi, ready hai. Go and very ready, very excited. We ride karenge abhi. यहाँ पे हम सब ने अपने मामू जी को हमारा सारा का सारा सामान दे दिया था पकड़ने के लिए और उनको ड्यूटी दे दी थी और हम सारे अब यहाँ राइड करने जा रहे हैं, हमें बहुत मजा आएगा। एंड ये हमारी कुछ कुछ फोटोज है राइड की। बहुत ही उल्टा घूंगे थे भैया जी, हमें चढ़ा के इस पे झूला चला के हमें भूल गए थे और यहाँ हमारी चटनी बन रही थी और हमें पता भी नहीं था वो गए कहाँ हैं, बट बहुत अमेजिंग। यहाँ पे हमसे बहुत पागल हो रहे थे क्योंकि हम बहुत देर से राइड में थे तो हमारी सीखें निकल रही थी। और हाँ, उल्टा हो रहे थे ना तो थोड़ा दर्द भी हो रहा था क्योंकि हमें बहुत लंबा टाइम तक वहीं थे, बट मज़ा बहुत आया हमें। यहाँ पे हमारी पूरी दुनिया उल्टी हो गई थी, मतलब कि हम पूरे उल्टे हो गए थे। हमारी फिर से कुछ पिक्स हैं हमारी झूलते हुए। तो गाइस बताओ कैसा रहा एक्सपीरियंस, कैसा रहा एक्सपीरियंस बताओ। हमें बहुत मजा आया गाइस, बहुत अच्छा था, बहुत ज्यादा अच्छा। बस वो भैया खाना खाने चले गए, दैट वाज वेरी बैड हमारे को छोड़ के। और हम घूमते रहे, हमारी चटनी बना दी, खुद खाना खाने चले गए। बट बस डू दिस वंस इन अ लाइफ, ऑसम एक्सपीरियंस। भूल गए कि चटनी तो यही रह गई, चटनी बनने के लिए छोड़ दी। मजा आया लेकिन। यार मामा हमें यहाँ पे मजे करते आ रहे थे और ये देखो यहाँ पे ये दोनों कूद रहे हैं यहाँ पानी के अंदर और पूरे मजे कर रहे हैं, जो कि हमने 360 वाले में किए। आ जाओ आ जाओ, इधर हमारी जिप लाइनिंग की बारी आ गई है और अभी मैं और मेहमान सा जिप लाइनिंग करने जा रहे हैं। सो लेट्स गो। और अभी यहाँ पे मेरी बारी आ गई है। अर्चिक इधर। बस दिल तक तक हो रहा है, तब तक हो रहा है। तो
चलो 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 अब हम निकले ये। यहाँ पे उन्होंने मेरे को रेडी होने के लिए बोल दिया था, वहाँ पे हमें जाके अपने पैर वहाँ पे एक जगह थी तो वहाँ पे उसको चढ़ाने के ऊपर करके और वहाँ से सेकेंड टाइम हमें फिर से वहाँ से जिपलाइन करके स्पॉट पे जाना था। और ये मेरी पिक है जिपलाइनिंग करती होगी। यहाँ पे मेरा भाई और उसका दोस्त शशांक दोनों ये एक्टिविटीज़ कर रहे थे जो कि मैंने जिपलाइनिंग में ही मज़ा ये यहाँ पे मज़ा कर रहे थे दोनों। ये देखो अभी ये यहाँ पे शशांक चढ़ रहा है, पे हिमांग आके चढ़ गया। अब ये दोनों यहाँ पे अपने मजे कर रहे हैं। मैं फोटोज करने आया हूँ बट यहाँ का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है, इट्स एक्सट्रीमली कोल्ड है ना मानसी। ये देखो फिर फोन पे मैं स्टोरी डाल रही हूँ, बस यही करते रहो। ये देखो सारे आगे चले गए, चल हम रह गए पीछे। सो यस सारे उधर पानी में जाने लगी हूँ। मैं जा रहा हूँ। पे गाइस पानी एक्सट्रीम ठंडा था, मैं ना तो एक्सट्रीम गर्म चीज़ें बियर कर पाती हूँ ना एक्सट्रीम ठंडी स्पेशली पानी, तो यहाँ पे बहुत मुश्किल था मेरे लिए खड़ा होना। और आगे तो इन लोगों ने राफ्टिंग भी करनी है एंड इतना ठंडा पानी मेरे लिए बियरेबल बिल्कुल नहीं है, सो इसलिए मैं राफ्टिंग शायद ना ही करूँ। और क्या कहते हैं, हमने आगे जाके थोड़ी फ़ोटोज़ खिंचवाई बट जितना टाइम हो सका मैं बहुत मुश्किल से पत्थरों भी खड़ी हो पाई हूँ पानी में। एंड यहाँ पे मेरा दो तीन फोटोज जो भी यहाँ पे हमने पत्थरों में खिंचवाई थी, ज़्यादा लंबे टाइम तक तो मैं यहाँ पे कर नहीं पाई, खड़ी नहीं हो पाई बट मुश्किल से करवा ली थोड़ी सी फोटोज जितनी भी हो सकी थी, सारी नहीं है थोड़ी बहुत मैंने शेयर की हैं। बस यहाँ पे बस मेरे पैर मेरे लाल हो गए थे एकदम, जितनी जल्दी हो सका बस मैं भाग गई यहाँ से, बहुत एक्सट्रीम ठंडा पानी था। अभी हम सारे जा रहे हैं पैराग्लाइडिंग और राफ्टिंग करने, हम कुछ भी नहीं दीदी बताएंगे आपको, मजा आएगा। चलो सारे बहुत थक चुके हैं पर फिर भी अभी हम और कुछ बहुत कुछ करने जा रहे हैं। ओह माय गॉड, ये देखो मैं तो नींद में पूरी थक गई। तो एवरीवन हम सब अभी आए हैं राफ्टिंग करने, खैर मैं और मानसी नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें ठंडा पानी भी अवेलेबल नहीं है और मानसी नहीं गए हैं, हम दोनों यहाँ पे बैठ के नज़ारे का मज़ा ले रहे हैं और आंटी भी नहीं गई हैं, हम यहाँ बैठ के मैगी खाएंगे और बाकी लोग गए हैं राफ्टिंग करने। हम दोनों को पानी से बहुत डर लगता है और ठंडा भी बहुत है पानी और हम दोनों की तबीयत भी ख़राब होने वाली है लगभग, इसको कोल्ड हुआ है और मुझे वैसे भी ठंड ज़्यादा लगती है तो हम दोनों नहीं गए हैं। ये रहा व्यू और पानी हद ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा है। और ये रहे वहाँ पे लो, ये अभी करने जा रहे हैं राफ्टिंग। ये गैंग नंबर वन की फोटो है जो राफ्टिंग करने जा रही है, दूसरी गैंग की मेरे पास है और ये मेरी प्यारी सी फोटो है। और यहाँ पे मेरी और मम्मा की भी एक क्यूट सी फोटो है, इनके भी बारी नहीं आई थी तो मम्मा और मैंने एक फ़ोटो खींच ली। इधर हमें भूख लग गई तो हम इधर सैंडविच और कोक पी रहे हैं और यहाँ पे मानसी मज़ा पी रही है अपनी, यहाँ पे मम्मा अपनी बारी की वेट कर रहे हैं जो कि बहुत टाइम हो गया है। यहाँ देखो सामने से वापस चलते हुए आ रहे हैं पूछ के कि कब तक हमारी टर्न आएगी। यस यहाँ पे मैं और मानसी खाना खा रहे हैं क्योंकि हम राफ्टिंग करने नहीं गए हैं ऐसी वो। यहाँ माजा की बॉटल्स ख़त्म हो गई हैं, कोक है, फ्राइड राइस है, हम खा रहे हैं और मैंने थोड़ी सी शशांक की मैगी चुराई है। हम ढूंढते रहे और खाते रहे क्योंकि वो मेरी एक तरह की हॉबी है जस्ट लुकिंग बट मैं ज़्यादा खाती हूँ। अभी हम पहुँच चुके हैं रिजॉर्ट में, ठंड बहुत है, ज़्यादा ठंड लग रही है। ये देखो यहाँ के सो भी गए हैं, लेट गए छतरों में। हेलो 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 बॉयज गए, बॉयज गए, बॉयज गए। बहुत ठंड है यहाँ पे और ये देखो दीदी यहाँ पे बिजी हैं फिर से।
हम आ गए वापस बैक टू पवेलियन। मैंने सुबह से सब प्रॉन्टिंग खाए हुए हैं, ये किसी काम के नहीं। मामू हमारा सामान उठा रहे हैं। इधर हम लोगों ने खाना खाने खाते वगैरह गाने लगा लिए थे और मेरी और ये मानसी की वाइब करते हुए की वीडियो है छोटी सी, हम दोनों मजा ले रहे थे भाई गाने का। सो एवरीवन यहाँ पे छुपन छुपाई खेल रहे हैं और हम अपना नाइट सूट वगैरह पहन के खाना पीना खा के फ्रेश होके अभी हम सोने जाने लगे हैं। बट ये देखो इनके हाल क्या हो रहे हैं, सोने नहीं दे रहे हैं। यस ये यहाँ छुप रहा है, ये यहाँ छुप रहा है, बंद करो। हम नहीं बताएंगे कौन कहाँ है, हमने उनको बहुत ही सेफ जगह छुपा दिया, वो उसको ढूंढ नहीं पाएगा। यस अभी हमारा शातिर चोर ढूंढने के लिए आ रहा है ना, मत अभी कोई ये तनिष्क ढूंढने की संभावना में। अभी अभी मांग पकड़ा गया तनिष्क से और अभी शशांक की बारी ढूंढता है कि चीटिंग कराने वाले। यहाँ पे मामू हमें हेल्प कर रहे थे तनिष्क को ढूंढने की, क्योंकि हम उसको बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे। लड़का बहुत सही जगह छुपा था बट बेचारे का सारा प्लान चौपड़ हो गया। और यहाँ पे मैं और मानसी भी खेलने लग गए थे बिकॉज हमारा भी मन कर गया था। अभी देखना शशांक ने पकड़ लिया उसको और बाद में वो चिर गया था। आ जाओ गुड नाइट गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर द पार्ट 3।